हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश की बुक पढ़ाने जा रही हूँ, फर्स्ट क्लास की। ठीक है, चैप्टर है 6 और इस चैप्टर का नाम है द क्लॉक शॉप। क्लॉक, क्लॉक मीन्स होता है घड़ी और शॉप मीन्स होता है दुकान। क्लॉक शॉप, घड़ी की दुकान। मदर, मदर मीन्स माँ। नोनू लुक एट दिस शॉप। नोनू, इस शॉप पर देखो, इस दुकान पर देखो। इट इज अ क्लॉक शॉप, यह एक घड़ी की दुकान। इट माने यह, इज माने है, ए माने एक, क्लॉक माने घड़ी, शॉप माने दुकान। एक, यह एक घड़ी की दुकान है। इट हैज मैनी क्लॉक्स। इट माने यह, हैज माने हैं, मैनी माने बहुत सारी, क्लॉक्स माने घड़ियाँ। इसके पास बहुत सारी घड़ी हैं या बहुत सारी घड़ियाँ रखी हुई हैं। दे आर इन मैनी शेप्स। दे माने बी, आर माने है, इन माने मैं, मैनी माने बहुत सारी, शेप्स, शेप्स माने आकार या आकृतियाँ। ये घड़ी कई आकृतियाँ या कई आकार की हैं। दे आर ऑफ मैनी साइजेस। दे माने बे, आर माने हैं, मैनी माने कई और या अनेक, साइज, साइज मतलब उनका आकार, छोटी बड़ी इस हिसाब से। तो ये घड़ियाँ या बे घड़ी कई साइज में हैं, मतलब छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं। दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। दे माने बे, लुक माने दिख रही हैं, वेरी माने बहुत, ब्यूटीफुल माने सुंदर, बे बहुत सुंदर दिख रही हैं। कैन यू टेल द टाइम बाई दीज क्लॉक्स। कैन यू, कैन माने शकना, यू माने तुम, टेल माने बता सकते हो, द टाइम माने समय, बाई दीज क्लॉक्स इन घड़ियों से, क्या तुम इन घड़ियों से समय बता सकते हो, मतलब किस घड़ी में कितने बजे हैं। मदर किससे पूछ रही है, नोनू से पूछ रही है। ठीक है, समय किससे देखते हैं बच्चों, घड़ी से देखते हैं। तो आप लोग भी अभी छोटे हैं, आप लोगों को भी क्या करना है, समय को देखना सीखना है घड़ी में। तो इस लेसन में आप लोग यही सीखेंगे। नोनू, उस बच्चे का नाम क्या है, नोनू। यस मम आई कैन, वह बोला हाँ माँ मैं देख सकता हूँ या मैं बता सकता हूँ। देखिए ये क्या है, क्लॉक है। दिस क्लॉक शोज 1 o'clock। दिस माने यह है, क्लॉक माने घड़ी, शो माने बता रही है, 1 माने 1, o'clock मतलब बजे। इस घड़ी में 1 बजे का समय है या इस घड़ी में 1 बज चुके हैं। हियर इट इज 2 o'clock। हियर, हियर माने इधर पर, इट इज यह है, 2 o'clock मतलब इस घड़ी में 2 बजे का समय हुआ है। फिर हियर इधर पर, इट इज 3 o'clock। हियर माने इधर, इट माने यह है, इज माने है, 3 माने 3, o'clock मतलब बजे हैं, इस घड़ी में 3 बजे हैं। दिस क्लॉक शोज 5 o'clock। इस घड़ी में या यह घड़ी 5 बजे का समय बता रही है। देखो बच्चों, अभी आप ये पढ़ते आ रहे, आगे इस लेसन में भी बताया गया है कैसे पता लगा सकते हैं। ये तो ठीक है, लेसन में जो लिखा है कैसे 5 बजे हैं। ये घड़ी में 2 हैंड होते हैं, एक बिग हैंड, एक स्मॉल हैंड। स्मॉल हैंड जिस नंबर पर होता है और बिग हैंड जब पूरा 12 पर होता है, तब उस घड़ी में उतने बजे का समय होता है। इसको बिग हैंड स्मॉल हैंड कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्मॉल हैंड होता है, ये आवर्स, आवर्स मीन्स होता है घंटा, ये घंटे का समय बताता है, इसलिए इसको आवर्स हैंड भी कहते हैं। जो बिग हैंड होता है, ये क्या बताता है, ये मिनट्स बताता है, और इसलिए इसको मिनट हैंड भी कहते हैं।
चलिए तो मैं आगे बता रही हूँ। अब इसमें देखिए, ये तो नीचे जो लिखा है ठीक है, इसमें देखिए कितने बजे हैं। स्मॉल हैंड 4 पर है और बिग हैंड जो है वो 12 पर है, तो इसमें कितने बजे हैं, 4 बजे हैं। तो इसको कैसे बोल रहा है, हियर इट इज 4 o'clock, इस घड़ी में 4 बजे हैं। फिर इधर देखिए, स्मॉल हैंड 6 पे आ गया और बिग हैंड 12 पे चला गया, तो हियर इट इज 6 o'clock, इधर पर पूरे 6 बजे हैं। अब इसमें देखिएगा, हियर इट इज 7 o'clock, इस घड़ी में 7 बजे का समय हुआ है। हियर इट इज 8 o'clock, इस घड़ी में 8 बजे का समय हुआ है, या इधर पर इस घड़ी में 8 बज रहे हैं। इसी तरह इसमें देखिए, स्मॉल हैंड 9 पर है, बिग हैंड 12 पर है, तो हियर इधर पर इट इज 9 o'clock, 9 माने 9 बजे हुए हैं इधर पर, या इस घड़ी में 9 बजे हुए हैं। हियर इट इज 10 o'clock, इधर पर 10 बजे हुए हैं। हियर इट इज 11 o'clock, अब देखिए छोटा हैंड है वो 11 पर पहुंच गया और बड़ा हैंड है वो 12 पर पहुंच गया, तो क्या है, इट इज 12 o'clock, इधर पर 11 o'clock, इधर पर 11 बजे हुए हैं। क्या होता है, ये जो स्मॉल हैंड होता है वो एक घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है, और ये जो बिग हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, वो एक घंटे में पूरा एक राउंड लगा लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से घड़ी चलती है। अब नेक्स्ट पर देखिए, एंड हियर, और इधर पर इट इज 12 o'clock, क्या हुआ, स्मॉल हैंड भी 12 पर पहुंच गया और बिग हैंड भी 12 पर है। जब दोनों कांटे एक साथ पहुंच जाते हैं 12 पर, तब उस समय घड़ी में 12 बजते हैं, तो इट इज 12 o'clock, इस घड़ी में 12 बजे का समय हो चुका है। मदर, माँ, नोनू, हाउ मैनी हैंड्स डज दिस क्लॉक है, माँ पूछती है नोनू, हाउ मैनी कितने हैं, हैंड्स मीन्स कांटे, घड़ी के कांटे, डज दिस क्लॉक है, वैसे हैंड्स मीन्स हाथ होता है, लेकिन इंग्लिश में उसी वर्ड का अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ भी निकलता है, इसलिए घड़ी के लिए इस हैंड्स का मतलब हो गया, क्या हो गया, कांटे, घड़ी के कांटे, इधर हाथ नहीं है, घड़ी के कांटों से इसका मतलब है। तो मदर पूछ रही है नोनू, हाउ मैनी हैंड्स डज दिस क्लॉक हैव, इस घड़ी में कितने कांटे हैं, नोनू इट हैज, इस घड़ी की बात हो रही है। ठीक है, अभी तक आपने ये घड़ी नहीं देखी थी, अब देखिए इस घड़ी में कितने कांटे हैं, 1 2 3, अभी तक आपने फर्स्ट से लेके जितनी भी ये क्लॉक देखी हैं सभी में क्या देखे हैं, 2 हैंड्स देखे हैं, एक आवर्स हैंड और एक मिनट हैंड, लेकिन इस क्लॉक में क्या है, इस घड़ी में 3 कांटे, कितने हैंड्स हैं, 3 हैंड्स हैं। तो माँ इस क्लॉक के लिए पूछ रही है कि नोनू बताओ इस घड़ी में कितने कांटे, नोनू आंसर देता इट हैज 3 हैंड्स, इसमें 3 कांटे हैं, 2 black and 1 red, जो 2 है उनका कलर क्या है, ब्लैक है, और एक और कांटा है जिसका कलर रेड है, 2 black and 1 red, इस घड़ी में 3 कांटे हैं, 2 ब्लैक कलर के हैं और एक रेड कलर का है। मदर, व्हाट डज द लार्ज हैंड शो, माँ पूछती है बच्चे से कि बताओ व्हाट डज, क्या है, द लार्ज माने सबसे लंबा, हैंड्स माने कांटा, शो माने बताता है, जो सबसे लंबा कांटा है वो क्या बताता है, सबसे लंबा कांटा ये ब्लैक कलर का है, इसकी बात पूछ रही है नोनू, इट शोज मिनट्स, क्या बताता है ये, मैंने देखिए पीछे भी बताया आपके लेसन में तो बाद में आया, कि जो ब्लैक कलर का लंबा कांटा है, बिग हैंड्स है,
या लार्ज हैंड्स है, इसको बिग नहीं, लार्ज ज़्यादा सुइटेबल वर्ड्स होगा इधर पर, जो लार्ज हैंड्स है वो क्या है, वो बताता है मिनट्स, इसलिए वी कॉल इट द मिनट हैंड। इसलिए बी माने हम, कॉल माने कहेंगे, इट माने इसको, द मिनट माने मिनट, हैंड माने कांटा, इसको हम मिनट्स हैंड कहेंगे या मिनट बताने वाला कांटा कहेंगे। मदर, माँ, व्हाट डज द स्मॉल हैंड शो, माँ कहती है जो छोटा कांटा है, छोटा किसके लिए, ये ब्लैक कलर का ही जो दूसरा छोटा कांटा है उसको हैंड शो, वह क्या बताता है, व्हाट मीन्स क्या, डज है द स्मॉल हैंड शो, छोटा कांटा क्या शो करता है या क्या बताता है। नोनू, इट शोज आवर्स, यह घंटे का समय बताता है। मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको कि जो स्मॉल हैंड होता है जिस नंबर पर होता है उतने ही बजे होते, और यह हैंड्स एक घंटे में एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आवर्स हैंड बोलते हैं, क्योंकि ये घंटे का समय बताता। तो बी कॉल इट द आवर हैंड, इसको आवर हैंड कहते हैं। और ये देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, हावर नहीं पढ़ेंगे, एच इधर पर साइलेंट होता है, इसलिए इसको आवर हैंड पढ़ेंगे। मदर, माँ बोलती है व्हाट डज द रेड, रेड क्या है, हैंड शो, जो रेड कलर का कांटा है वह क्या बताता है। नोनू, द रेड हैंड शोज सेकंड, जो यह कांटा होता है रेड कलर का, यह क्या बताता है, सेकंड बताता है। बी कॉल इट द सेकंड हैंड, और इसलिए इस कांटे को सेकंड हैंड या सेकंड वाला कांटा बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए सेकंड हैंड जो है या सेकंड बताने वाला कांटा है, किसी घड़ी में होता है और किसी में नहीं भी होता है, लेकिन आवर्स और मिनट बताने वाला हैंड्स हर घड़ी में होता है, तभी ये घड़ी कंप्लीट होती है। मिनट्स का हैंड हटा दिया जाएगा तो ये घड़ी कंप्लीट होगी, लेकिन अगर मिनट्स का आवर्स या मिनट वाला हैंड हटा दिया जाएगा तो ये घड़ी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो घड़ी में दो कांटों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी किसी घड़ी में तीन कांटे भी होते हैं, एक मिनट आवर्स, एक सेकंड आवर्स, और एक क्या आवर्स, ये घंटे वाला आवर्स हैंड होता है। तो बच्चों ठीक है, इस लेसन के माध्यम से आपको घड़ी देखना भी सीखना है, और इस लेसन को रीड करके इसकी हिंदी निकालना भी सीखना है। थैंक यू, लेसन फिनिश हुआ।